हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस चैनल। और ये है बैंगलोर का मौसम। काफ़ी अच्छा मौसम है, आज बारिश हो रही है, थोड़े टाइम पहले ही स्टार्ट हुई थी। तो दिस विल बी माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल, एंड वीडियो के टैग से आपको पता ही चल गया होगा ये वीडियो कौन सा होने वाला है। एंड बारिश के मौसम में पकौड़े ना खाए जाएँ ऐसा हो ही नहीं सकता, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो मम्मी, क्या बन रहा है आज? हेलो, पकौड़े बन रहा है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या डलता है बता दो एक बार। एक पेस्ट बनाई हूँ, हाँ। लहसुन, जीरा, मिर्ची, थोड़ा सा हींग डाल रहे हैं, हल्दी नहीं होगा। अच्छा, और एक प्याज है, हरा प्याज, पालक, ठीक है, एक कढ़ी पत्ता, हाँ, एक मेथी का थोड़ा सा पत्ता है, हाँ, आलू थोड़ा ठीक कटा हुआ बारीक, प्याज है बारीक, और मिर्ची बारीक थोड़ा, और यहाँ पे भी बहुत सारा सामान है। ये सब एक क्या है? बेसन है थोड़ा सा, ठीक है, और एक थोड़ी सी चावल है, और एक कटोरी बेसन, चना का दाल, एक कटोरी मूंग का दाल, और हल्दी है आधा टीस्पून, अच्छा, चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार डालना है, ठीक है, काली मिर्च पाउडर थोड़ी, ठीक है, जीरा पाउडर थोड़ा, अजवाइन, कलौंजी, इससे थोड़ा टेस्ट, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। बेसन मिला रही हूँ, ठीक है, थोड़ी चावल का पाउडर है, थोड़ा जीरा, थोड़ा काली मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ा चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक, पहले भी थोड़ा डाला हुआ है इसमें, ठीक है, अजवाइन, कलौंजी, अब इसके बाद थोड़ा मिर्च है कटी हुई, आलू है बारीक कटा हुआ, प्याज कटा हुआ, मेथी पत्ता, ठीक है, और एक कढ़ी पत्ता, कढ़ी पत्ता से टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा, कोई पागल कटा हुआ, ये प्याज का पत्ता बारीक कटा हुआ, ठीक है, इसको हम मिक्स करेंगे इसमें, तो ये सब अब मिक्स होगा। ओके, पानी भी डालते हैं क्या इसमें? पानी नहीं डालते। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और अभी फ्राई किया जाएगा पकोड़े को। तेल कितना डालते हैं? अच्छा, ये तो काफ़ी तेल लग रहा है। तो ये है हमारी छोटी सी प्यारी सी किचन। यहाँ पे ऑयल गरम हो रहा है, ये कौन सा ऑयल है मम्मी? राइस ब्रान ऑयल है। अच्छा, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। अच्छा, और इससे फैट नहीं ज्यादा वो होता। अच्छा, इसलिए मैं राइस ब्रान में ही कोई चीज फ्राई करती हूँ। ओके, तो तेल गरम हो चुका है, अब आगे हम लोग पकौड़े डालेंगे इसमें। तेल गरम हो चुका है और मैं इसमें पकौड़ा डालती हूँ फिर पकौड़ा के लिए। ये कढ़ाई काफ़ी बड़ी है, तो एक बार में कितने पकौड़े बन जाएंगे मम्मी इसमें? बन जाएंगे, काफ़ी बन जाएंगे। आई गेस 10 से 12 पीस तो बन ही जाएंगे।
थोड़ा ब्राउन होने के बाद इसको रखते हैं दूसरे साइड में। पकौड़े तैयार फ्राई हो गए, ब्राउन हो गए, हम निकालते हैं। कुरकुरे बने हैं ना मम्मी। वाह, और ये दूसरा स्लॉट भी रेडी है बनके। अब इसके बाद हम लोग प्लेटिंग करेंगे और उसके बाद इस पकौड़ों को खा के देखेंगे कैसे बने हैं। तो बारिश अभी बंद हो चुकी है और हमारे पकोड़े भी रेडी हैं और हमारी हेड शेफ भी रेडी हैं पकोड़े खाने के लिए। और पकोड़े कुरकुरे बने हैं और इसमें आवाज भी आएगी कुरकुरे की और टेस्टी भी है। अब खा कर बताएंगे कैसा बना है। और पापा पकोड़े कैसे बने हैं? पकोड़े काफी कुरकुरे हैं। अच्छा, स्वादिष्ट हैं। चलो मैं भी एक टेस्ट करता हूँ। ऐसे मौसम में पकोड़े खाने में मजा आता है। पकोड़े काफी अच्छे बने हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे दो लोगों की कमी है, प्रिया और अंशु की। अगर वो लोग होते तो और भी मजा आता। तो यहाँ पे पकोड़े सारे फिनिश हो चुके हैं, ये बस थोड़े बहुत बचे हैं, सारे पेट के अंदर गए हैं। बनाने में पकोड़े लगे थे 10 से 15 मिनट और खाने में 1-2 मिनट भी नहीं लगे। तो मम्मी आपको कैसा लग रहा है पहला वीडियो बना के? अच्छा, ओके। अच्छा, तो गाइज मम्मी की बात सुनिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और क्या मम्मी? और आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, आपका सपोर्ट। ये भी बात सही है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए कि हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और फ्यूचर में कौन सी और वीडियोस रिलीज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, अंटिल नेक्स्ट टाइम।